हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इनकम टैक्स पोर्टल पर एक नई फैसिलिटी को ऐड किया गया है। असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए अगर आप अपना टैक्स का पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर दो नए बैंक्स को ऐड किया गया है। लेटेस्ट अपडेट्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक को ऐड किया है। अब इन दो बैंक्स के थ्रू भी आप अपने टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। पहले बाकी सारे बैंक्स यहाँ पर ऐड थे, उनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते थे टैक्सेस का, लेकिन ये दो बैंक से पेमेंट करने की फैसिलिटी नहीं थी। अगर आप इन दो में से किसी भी बैंक के साथ पेमेंट करना चाहते हैं अपने टैक्सेस का, तो यहाँ पर मेथड थोड़ा सा अलग होगा। कैसे आपको पेमेंट करना है इन दो बैंक्स के थ्रू, आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको दो मेथड हम बताएंगे। एक तो है कि आप लॉगिन करके अपने अकाउंट में जा सकते हैं और वहां पर आप इन बैंक्स को यूज करके पेमेंट कर सकते हैं, और दूसरा है बिना लॉगिन किए आप कैसे अपने टैक्सेस का पेमेंट करें इन दो बैंक्स के थ्रू। पहले बिना लॉगिन वाला देख लेते हैं। इसके लिए हमें क्विक लिंक्स के अंदर मिलता है ईपे टैक्स। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना पैन नंबर देना है, इसके बाद कन्फर्म पैन नंबर करना है, इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर डालते ही आपके पास ओटीपी जाएगा, और ओटीपी को कंफर्म करने के बाद ही आपके पास इस तरह से एक मैसेज आ जाता है, यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल ओटीपी, कंटिन्यू टू मेक अ पेमेंट। यहाँ पर आपका पैन नंबर है और यहाँ पर आपका नेम है, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस हैं कि आप कौन से टैक्सेस का पेमेंट करना चाहते हैं। अगर आप एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना चाहते हैं तो आपको ये फर्स्ट वाले कॉलम पर जाना है, यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर हमें असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। अगर हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, तो यहाँ पर 22-23 को सिलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ पेमेंट में यहाँ पर एडवांस टैक्स का ऑप्शन हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए एडवांस टैक्स पे करने का ऑप्शन इस समय खत्म हो चुका है। अब सिर्फ सेल्फ असेसमेंट टैक्स को ही पे किया जा सकता है, तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स यहाँ से चूज कर लेना है। नीचे कंटिन्यू करेंगे। अब आपको यहाँ पर अमाउंट दे देने हैं कि कितना टैक्स आप पे करना चाहते हैं। यहाँ पर हम अमाउंट डाल देंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर हमें बैंक चूज करना है, दोनों में से कौन से बैंक से हम पेमेंट करना चाहते हैं, फेडरल बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक, तो हम कोई भी एक बैंक चूज कर लेते हैं, कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर पेमेंट की डिटेल्स दिखाएगा, आपको एक बार असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर चेक कर लेना है। यहाँ पर टैक्स एप्लीकेबल में इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज ही होना चाहिए अगर आप इंडिविजुअल हैं या फिर HUF हैं। यहाँ पर आपका टैक्स ब्रेकअप दिख रहा है, 5,000 रुपीज आपको पे करने हैं। यहाँ पे नाउ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, यहाँ पर आपको आई अग्री पर क्लिक करना है और सबमिट टू बैंक करना है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर कंफर्मेशन की स्क्रीन आती है, यहाँ पर आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। अब आप फेडरल बैंक के नेट बैंकिंग पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी देनी है और पासवर्ड देना है, मोबाइल नंबर देना है, वेरिफिकेशन कोड डालना है, लॉगिन करना है और सीधे अमाउंट का पेमेंट कर देना है। ये फर्स्ट मेथड था जिसमें कि आपको अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं करना है और आप डायरेक्ट होम पेज से ये पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा मेथड देख लेते हैं जहां पर कि आप लॉगिन के थ्रू जाएंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप इन दो बैंक्स के अलावा किसी भी बैंक थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो वो आपको कैसे करना है। आपको क्विक लिंक्स में जाना है, यहाँ पर है ई पे टैक्स, और अगर आप कोटक बैंक या फिर फेडरल बैंक के थ्रू अपना पेमेंट करना चाहते हैं तब आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है। लेकिन अगर आप किसी और बैंक के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिस्ट दी गई है कि इसमें कौन कौन से बैंक्स कवर हैं। यहाँ पर एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इतने बैंक्स यहाँ पर इंक्लूड हैं। यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे और यहाँ आप चलान पर पहुँच जाएंगे। आपको चलान नंबर 280 का यूज़ करना है अगर आप एडवांस टैक्स पे करना चाहते हैं असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, या फिर आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना चाहते हैं असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। यहाँ प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर आपको 21 नंबर चूज करना है अदर देन कंपनीज। यहाँ पर आपको सेल्फ असेसमेंट का हेड चूज करना है 300, नेट बैंकिंग से करना है या डेबिट कार्ड से वो चूज कर लेंगे। पैन नंबर देना है, असेसमेंट ईयर, अपना करंट रेजिडेंशियल एड्रेस देना है और यहाँ कैप्चा कोड डालकर
नीचे प्रोसीड कर देना है। इसके बाद आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड जो भी आपने चूज किया होगा उस बैंक की साइट पर चले जाएंगे और वहां पर जाकर आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए अब अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं और देखते हैं कि लॉगिन करने के बाद आप किस तरह से पेमेंट करेंगे इन दो बैंक्स के थ्रू। लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर ई फाइल में जाना है, यहाँ पर आपको मिलेगा ई पे टैक्स, यहाँ पर आपको जाना है न्यू पेमेंट। अब यहाँ पर उसी तरह से स्क्रीन ओपन हो जाती है, आपको अगर एडवांस टैक्स पे करना है 23-24 के लिए या फिर आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना है 22-23 के लिए तो आप इस फर्स्ट वाले कॉलम पर जाएंगे, यहाँ प्रोसीड करेंगे, यहाँ असेसमेंट ईयर देंगे, यहाँ पर टाइप ऑफ पेमेंट में सेल्फ असेसमेंट टैक्स चूज करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद का सारा प्रोसेस वैसे ही है जैसे कि हमने फर्स्ट मेथड में देखा था। इसके अलावा यहाँ पर आपके चालान भी दिखेंगे, अगर आप जनरेटेड चालान पर क्लिक करेंगे तो कोई भी चालान जो आपने जनरेट किया हुआ है या फिर जिसका कि आपने पेमेंट किया है वो सारे चालान भी यहाँ पर दिखेंगे। तो जैसे कि हमने अभी एक चालान बनाया था 5,000 रुपए का, वो यहाँ पर शो कर रहा है। और पेमेंट हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पर अगर आपने कोई पेमेंट किया है किसी भी चालान का तो वो चालान भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप ITR फाइलिंग के टाइम पर अपने टैक्सेस को पे करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ रिटर्न समरी पर आना है, यहाँ पर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को कन्फर्म कर देना है। अगर यहाँ पर आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी निकल रही है तो आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना होगा, ये हम बात कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। टैक्स लाइबिलिटी का पेमेंट करना है तो हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स को पे करेंगे, यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ रहा है नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ रुपीज दिस, नीचे जाएंगे यहाँ पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये पूछेगा कि आपको कोटक महिंद्रा बैंक या फेडरल बैंक इन दो में से किसी से पेमेंट करना है या फिर अदर बैंक से पेमेंट करना है। तो अगर आपको अदर बैंक से पेमेंट करना है आपको सेकेंड ऑप्शन को चूज कर लेना है, और अगर आप इन दो को यूज करके पेमेंट करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट चूज करेंगे, यहाँ कंटिन्यू करेंगे। अब ये आपको ई पे टैक्स सर्विस पर रीडायरेक्ट करेगा, यहाँ कंटिन्यू करेंगे। और अब हम न्यू पेमेंट पर पहुंच गए हैं जैसा कि हमने फर्स्ट मेथड में देखा था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्री फिल्ड मिलेंगी, असेसमेंट ईयर यहाँ पे पहले से फिल्ड है, टाइप ऑफ पेमेंट में सेल्फ असेसमेंट टैक्स पहले से फिल्ड है, यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, टैक्स का अमाउंट और कोई इंटरेस्ट अगर उस पर लग रहा है लेट पेमेंट के लिए तो वो भी यहाँ पर प्री फिल्ड है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब ये आपसे पूछेगा कि कौन से बैंक के थ्रू करना है आपको, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप नेट बैंकिंग की साइट पर पहुंच जाएंगे और वहां से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप अदर बैंक्स के ऑप्शन को चूज करते हैं तो तब ये आपको NSDL की साइट पर रीडायरेक्ट कर देगा, जहां पर कि आप चालान नंबर 280 का यूज करके टैक्सेस का पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही डिफरेंस है, अगर आप इस वाले मेथड के थ्रू कर रहे हैं तो आपके टैक्सेस के अमाउंट और जो भी हेड आपको चूज करने हैं वो सारे आपको प्री फिल्ड मिलते हैं, तो आपको कुछ भी चूज नहीं करना है, बस आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके सबमिट करना है और सीधे नेट बैंकिंग पर जाकर पेमेंट कर देना है। तो बस यही डिफरेंस है, अगर आप क्विक लिंक्स के थ्रू करते हैं होम पेज पर जाकर तो वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ती हैं, जहां पर कि कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं और आप असेसमेंट ईयर गलत डाल देते हैं। लेकिन अगर आप ITR फाइलिंग करते टाइम इस तरह से अगर टैक्सेस का पेमेंट करते हैं तो सारा डेटा आपको प्रीफिल्ड मिलता है, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और आप इजिली अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स इस मेथड के थ्रू पे कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर देने के बाद आप उसके चालान की डिटेल्स को ITR में फिलअप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, फिल करने के बाद ही ITR को फाइल करिएगा। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।